फिट एंड ग्लव्स का पार्ट 42। पहला प्रॉब्लम, कोई वस्तु ऊपरी अवयव सहित 2 रुपया 60 पैसा में मिलती है। यदि ऊपरी अवयव 4% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ऊपरी अवयव मतलब खर्च, ऊपरी यानी कोई वस्तु मान लो तो कोई सामान खरीदा, मान करके चलो एक पलंग खरीदा, तो मार्केट से घर लाने में इसको तो कंधा पर नहीं लाओगे, इसको जिस सवारी गाड़ी पर लाओगे तो पलंग दिया 5000 में, 500 रुपया भाड़ा लग रहा है घर लाने में, तो 5000 में तो दिया, ऊपर से जो घर लाने में 500 रुपया खर्च हो रहा है, तो ऐसे ही खर्च को ऊपरी व्यय कहेंगे। समझ गया? तो कोई वस्तु ऊपरी व्यय सहित 2 रुपया 60 पैसा में मिलता है, तो मान लो उस वस्तु का असली दाम क्रय मूल्य 100 रुपया है, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, समझ गया? अब उस पर खर्च कितना है, तो 4% है, यानी 100 रुपया का सामान लोगे तो कहता है यदि ऊपरी व्यय 4% यानी 100 रुपया पर 4 रुपया है ऊपर से खर्च, तो 100 रुपया पर कितना होगा? ऊपरी व्यय बराबर 4%, यानी 100 में 4 रुपया खर्च होता है तो 100 में कितना होगा? क्योंकि 100 में ऊपरी व्यय 4 रुपया है, इसीलिए 1 रुपया में 4/100 होगा, कट करके हो जाएगा 1/25, यानी 1/25 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य, खरीदे हैं दुकान में 100 रुपया में, ऊपर से न खर्चा 100 पर 4, तो 100 रुपया में ऊपरी व्यय 4 रुपया, इसीलिए 1 रुपया में, इसीलिए 100 रुपया में, इसीलिए 100 रुपया में ऊपरी व्यय 1/25 × x बराबर 1/25 रुपया। अतः ऊपरी व्यय सहित 2 रुपया का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया का तो वस्तु है ना, 100 रुपया पर ऊपरी व्यय कितना है? 1/25 रुपया, उसको हल करके हो जाएगा 25x + x = 26x/25 रुपया दाम। लेकिन प्रश्न इसे कह रहा है कोई वस्तु ऊपरी व्यय सहित 2 रुपया 60 पैसा में मिलता है, लेकिन प्रश्न इसे सहित मूल्य 2.60 रुपया, हम लोग को ऊपरी व्यय सहित मूल्य कितना निकला है? इतना रुपया। प्रश्न में है वस्तु का ऊपरी व्यय सहित मूल्य इतना रुपया, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ऊपरी खर्च सहित दोनों का दाम एक ही होगा। अतः समीकरण 1 एवं 2 से 26x/25 बराबर 2.6 रुपया, कितना गुना करोगे? 26x बराबर 2.6 × 25
इसीलिए x बराबर 26 नीचे आ जाएगा। इसको दशमलव को तोड़ोगे तो 26 बटा 10 होगा ना, गुने 25, और ये x चला जाएगा नीचे में, ये 26 कट गया, 25 में 10 से भाग दोगे तो 2.5 होगा, इसीलिए x बराबर 2.5 रुपया आंसर। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है ना, वस्तु का क्रय मूल्य x माने थे, समझा इसको, सिंपल हिसाब है, चलो उतारो। दूसरा प्रॉब्लम जो है इसमें क्या तुमको प्रॉब्लम आया है, एक गाय को 320 रुपया में खरीदी गई तो गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया? ₹320 होगा। अब कहता है अब वह कितने में बेची जाए कि 12.1/2% का लाभ हो, यानी 12×2=24, 25/2, 25/2 का अर्थ हुआ 12.5, तो कितना में बेचेंगे तो लाभ 12.5% का हो। लाभ लेना है कितना, लाभ लेना है 12.5%, तो इतना प्रतिशत लाभ लेना है, तो इसका क्या अर्थ हुआ, 100 रुपया में 12.5 रुपया लाभ लेना है, यानी 100 रुपया के वस्तु को 100 × 12.5, 100 × 12.5 में बेचो, यही ना, यानी 100 रुपया में खरीदो, 100 × 12.5 में बेचो, 100 रुपया क्रय मूल और 100 × 12.5 रुपया विक्रय मूल हुआ। यहाँ 100 रुपया क्रय मूल है तो विक्रय मूल 112.5 रुपया होगा, बोलो, इसीलिए 1 रुपया क्रय मूल है तो विक्रय मूल कितना होगा, 112.5/100 रुपया, इसीलिए क्रय मूल है गाय का 320 रुपया, 320 रुपया क्रय मूल है तो 100, इसको फिर दशमलव को तोड़ दो, ये 1000 हो गया गुने 320, 00 कट गया, 1125/100×32, इसको 25 से काटो 4, 25 से काटेंगे 25×100, 12×25=125, 4×8=32, 45×90×180 × 360, यानी 360 रुपया में बेचना है। घुसपलवा हिसाब में कोई दम है, कई बार बतला चुके हैं। अतः गाय का विक्रय मूल, समझा इसको, बराबर 360 रुपया आंसर। लो रखो।